फिर से आपको स्वागत है भला किड्स में। आज की जो वीडियो है कक्षा छठी की रहेगी, गणित की हिंदी मीडियम रहेगी। वर्कशीट नंबर 6 है, 22 तारीख की रहने वाली है क्योंकि 21 तारीख की छुट्टी है, 21 तारीख को ईद है इसलिए उस दिन वर्कशीट नहीं आएगी। मैंने 19 तारीख की और 20 तारीख की जो वर्कशीट है वो डाल दी है सोल्यूशन के साथ। अगर आपने अभी तक नहीं करी है तो आप कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में जाओगे आप, ठीक है, तो उसमें आपको प्लेलिस्ट लिखा होगा सोल्यूशन वर्कशीट क्लास 6। आप उस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने वर्कशीट खुल जाएंगे सारी जो उनसे मैंने करी हुई हैं, तो आप आराम से वहाँ से कर सकते हैं। देखिए अभी जो वर्कशीट है इसमें हमें एक एक्टिविटी करनी है, बोर्ड गेम है ये। आप यहाँ पे देख रहे हैं काउंटिंग लिखी हुई है 1 से 100 तक, मतलब 100 तक यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पर एंड हो जाता है 100 पे। तो जो एक्टिविटी है इसमें हमें करना क्या है, आपके सामने आप देख रहे हैं डायग्राम बना हुआ है, ये डाइस दिया हुआ है और ये गोटियाँ दी हुई हैं, ठीक है। तो इसमें जो है पढ़ लेते हैं हमें एक्टिविटी में करना क्या है। 100 तक की गिनती अपनी कॉपी, गत्ते पर या चार्ट पेपर पर लिखकर अपना बोर्ड गेम तैयार कर लो। मतलब कि आपको कोई भी शीट ले लो आप, या डिजाइनिंग शीट है तो डिजाइनिंग शीट ले लो, कॉपी में अगर आप कर सकते हैं तो कॉपी में कर लीजिए आराम से। आपको जो है एक बोर्ड गेम तैयार कर लेनी है ऐसे, 1 से 100 तक आपको लिखनी है, ठीक है ऐसे। उसके बाद जो है इस खेल को हम अपने परिवार के सदस्यों दोस्तों के साथ खेल सकते हैं, मतलब अपने मम्मी पापा भाई बहन या दोस्तों के साथ किसी के साथ भी खेल सकते हैं, ठीक है। अब सेकंड, इसे खेलने के लिए हमें एक पासे, ठीक है पासे, और जितने लोग खेल रहे हैं उतने रंग की गोटी होनी चाहिए। मतलब कि जैसे 4 लोग खेल रहे हैं तो 4 कलर की अलग अलग गोटी होनी चाहिए, पासा एक ही होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि हम लूडो खेलते ही हैं, ठीक है, वैसे ही गेम है। और अब जो है खेल के नियम कौन से हैं, कोई भी इस खेल को शुरू कर सकते हैं। जैसे आप चाहते हैं कि मेरे पापा स्टार्ट करें गेम तो वो, अगर आप चाहते हैं कि मेरे दोस्त स्टार्ट करें वो पासा फेंके पहले, तो वो आपकी मर्जी है। खेल को शुरू करने के लिए हम पासा फेंकेंगे, ठीक है, और जो संख्या पासे पर आएगी, ध्यान से सुनिए, जो संख्या पासे पर आएगी उतने अंक छोड़कर पहले उस संख्या को बोलेंगे, फिर बोर्ड में उतने अंक छोड़कर अपने रंग की गोटी पर संख्या पर रख देंगे, ठीक है। अब सुनिए, आपने पासा फेंका, 6 आ गया या 4 आ गया, और आप कहाँ पर हो, 1 पर हो, ठीक है। 4 आया तो आपको पहले क्या बोलना है, 4 आ गया, मतलब आपको नंबर बोलना है, संख्या बोलनी जो आई है, ठीक है। फिर जितने इन्हें बोला है यहाँ पे आप देखेंगे साफ साफ, उतने अंक छोड़कर अपने रंग की गोटी पर उस संख्या पर रखेंगे, ठीक है। 4 नंबर आया है आपका यहाँ पे, ठीक है, तो आप हो कहाँ पे, 1 पे, तो 1 छोड़ा, 2 छोड़ा, 3 छोड़ा, 4 छोड़ा, इन्हें बोला 4 कदम छोड़ने हैं, तो अपने स्थान छोड़ दिया, दूसरा तीसरा चौथा छोड़ के आप गोटी कहाँ पे रखोगे, 5 पे, ठीक है ऐसे हैं। अब जो नेक्स्ट है, ठीक है, अब इसमें एक वो भी दिया हुआ है एग्जांपल, मान लीजिए आप पासे पर संख्या 3 आई है, इसका मतलब हमें 3 संख्या छोड़कर आगे बढ़ना है, ठीक है। अब जैसे भी कह रहे 3 आ गई है, हम हैं 6 पे, ठीक है, तो 3 नंबर आया हमारा पासे पे, तो हमें 3 कदम छोड़ने हैं, 1 छोड़ दिया, 2 छोड़ दिया, 3 छोड़ दिया, अब किस पे हम रखेंगे, 9 पे रखेंगे, ठीक है ऐसे हैं। अब जो है लास्ट, अब दूसरे व्यक्ति को पासा फेंककर इसी प्रक्रिया को अपनाना है। आपने करा, फिर आपके दोस्त की बारी, ठीक है, जो आपने दोस्त ने पहले आपके दोस्त ने पहले किया, फिर आपकी बारी है। जो व्यक्ति पहले 100 पर पहुंचेगा वह विजेता खिलाएगा, ठीक है। अब जैसे हम नीचे देख रहे हैं डायग्राम बना हुआ है, आपसे खेल रहे हैं बच्चे प्यारे प्यारे, ठीक है, तो जो जीतेगा वो विजेता खिलाएगा। तो आप जो है एक्टिविटी करिए, बहुत अच्छा सा डिज़ाइन करिए, कि आने वाले जब आप देखेंगे अपनी वर्कशीट कॉपी चेक करेंगे तो मैडम अगर आपकी कॉपी चेक करेंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा कि ये जो बच्चा है क्रिएटिविटी है इसमें, बहुत अच्छे से इन्हें डिज़ाइन करा हुआ है, बहुत अच्छे से बोर्ड बनाया हुआ है। आप जब तक गत्ता भी ले सकते हैं, उसमें शीट चिपका के अच्छे से उसमें डिज़ाइन कर सकते हैं, 1 से 100 तक काउंटिंग खेल मतलब बना सकते हैं, फिर खेल भी सकते हैं, ठीक है। तो ये एक्टिविटी है, आपके पेरेंट्स भी मना नहीं करेंगे खेलने से, ठीक है। तो ये वर्कशीट थी, बहुत इजी थी और इसमें बहुत मज़ा आने वाला है अगर आप करेंगे दिल से, तो ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं 6 क्लास की ही वर्कशीट डालता हूँ, जैसे आपको पता है सोल्यूशन के साथ। वर्कशीट के जो लिंक होते हैं वो मैं केजी से जो है 10th जो क्लास है उस तक डालता हूँ,
ठीक है, सारे वर्कशीट के लिंक डालता हूँ पूरी क्लासेस के, जिसके औरों के भी हेल्प मिल जाए, क्योंकि बच्चे जो है कमेंट करते हैं आठवीं वाले सातवीं वाले सर मुझे वर्कशीट की लिंक चाहिए, तो उनके लिए मैं एक वर्कशीट की लिंक की जो वीडियो भी बनाता हूँ, जिससे उनको वर्कशीट की जो लिंक है आराम से मिल जाए, ठीक है। और अगर आपको कोई डाउट है कमेंट्स आपके लिए अवेलेबल है, आप पूछ सकते हैं जब मर्जी, मैं पूरी हेल्प करूँ आपको बताने के लिए। अब जैसे आप ये देख रहे हैं ये गणित की वर्कशीट थी हिंदी मीडियम, थोड़ी देर बाद मैं इंग्लिश मीडियम में डाल दूँगा, जो उसकी दूसरी वर्कशीट है 22 तारीख की ही, वो भी मैं कुछ ही देर में अपलोड कर दूँगा, ठीक है। तो आप जो है अगर आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आती है तो आप मेरे चैनल पर जाके भल्ला किड्स लिख के, ठीक है, देखिए भल्ला किड्स लिख के ना आप यूट्यूब पे भल्ला किड्स लिखोगे तो टॉप पे चैनल आ जाए, उस पर क्लिक करेंगे तो प्लेलिस्ट पे चले आना, सोल्यूशन लिखा होगा, सोल्यूशन वर्कशीट 2021 की, उसमें आपको सारी वर्कशीट मिल जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना बहुत है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ